सो नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता है कि आंसर की आ चुकी है, आंसर की एनटीपीसी सीबीटी टू का जो आंसर की है वो आ चुका है। तो फाइनली मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि बहुत से हमारे मित्र ऐसे हैं जिनका जो स्कोर है, उन्होंने मान लीजिए 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उनका 30 रॉन्ग हो गया, तो बचा कितना, 60 बचा यहाँ पे, और 60 में भी 10 और माइनस हो गया तो उनका जो फाइनल स्कोर बन रहा है 50 बन रहा है, जिस पे सिलेक्शन हो पाना इम्पॉसिबल है। तो बहुत से हमारे मित्र ऐसे हैं जिनका जो स्कोर रहा है वो बहुत ही कम गया है, जिसके चलते हताशा होती है, निराशा आती है, और ये ज़िंदगी के कुछ हमारे पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ लाइफ ये सब है, ठीक है। तो निराशा भी आएगी, दुख भी आते हैं, बहुत सारी मुसीबतें भी आती हैं, बहुत सारे ऐसे टास्क आते हैं जिनको हमें पार करके आगे जाना होता है। तो आप सबसे मैं यही कहना चाहूँगा कि मंजिलें अभी और भी हैं, केवल NTPC ही मंजिल नहीं था, ओके। केवल लेवल 3, लेवल 2, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 यही आपका मंजिल नहीं था। हो सकता आप इसमें क्वालिफाई नहीं हो पाए, आपने बहुत तैयारी किया, हो सकता आपके लिए कुछ इससे भी बेटर होने वाला हो, इसलिए बिल्कुल भी आप लोग हताश ना हो, निराश बिल्कुल ना हो, दुखी बिल्कुल ना हो, आगे अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें। अभी SSC में लगभग 70,000 वैकेंसी आने वाली है, कुछ लोगों का दिल्ली पुलिस में पड़ा होगा फॉर्म, कुछ लोगों का SSC में, CHL, MTS, CGL में पड़ा होगा, और कुछ लोग लेखपाल की तैयारी कर रहे होंगे। तो आप सब लोग अभी, मैक्सिमम लोगों का अभी कई और एग्ज़ाम लगे होंगे, ठीक है, तो आप लोग उसकी तैयारी और अच्छे से कीजिए और मेहनत उसमें कीजिए, ताकि इसमें नहीं हो पाया तो नेक्स्ट आपके लिए कोई आपका इंतज़ार कर रहा है। अभी ऐसा नहीं कि इंतज़ार कि सबने छोड़ दिया, अभी कोई तो पोस्ट ऐसी है जो आपका अभी यहाँ पर इंतज़ार हो रहा है। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब से मैं कहना चाहूँगा फिर से, बिल्कुल निराश ना हो और बिल्कुल हताश ना हो, क्योंकि अक्सर वो चीज़ें छूट जाती हैं जो हमारे लिए नहीं होती हैं, और हमें वही मिलता है जो खुदा ने हमारे लिए लिखा होता है, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल हताश ना हो, निराश ना हो, और बहुत से हमारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया था, प्रश्न पत्र हल किया था, उनको उम्मीद था कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन कल मेरी जब बात हुई तो उनको, उनके मुंह से भी मुझे निराशा ही सुनने को मिली। तो अभी उनका कुछ का लेखपाल का लगा हुआ, कुछ का दिल्ली पुलिस का लगा हुआ, कुछ का SSC का लगा हुआ, कुछ ने SSC का एग्ज़ाम दिया है तो उसका आंसर की भी आ गया है, तो कुछ लोगों का उसमें मार्क्स अच्छा आ रहा है, तो वहाँ यहाँ पर नहीं हो पाए तो उनका सिलेक्शन उधर होगा, लेकिन होगा, जो मेहनत अंत तक करेगा उसी का सिलेक्शन होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2 महीने किए, 3 महीने नहीं किए, फिर 1 महीने किए, फिर 2 महीने नहीं किए, ऐसे सिलेक्शन इम्पॉसिबल आप नहीं ले सकते, और इसमें कंपटीशन तो है ही। और मेन बात क्या होती है कि हम जो पढ़ाई करते हैं उसमें हम पढ़ क्या रहे हैं और पूछ क्या रहा एग्जाम में, ठीक है, एग्जामिनर क्या पूछ रहा है और आप क्या पढ़ रहे हैं। सिलेबस पर फोकस करें, सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करें, और सिलेबस से हटकर कुछ भी ना पढ़ें, और रेगुलर कंटिन्यू अपना रूटीन लाइफ में एक पार्ट बनाएं कि इतना बजे से इतना हमें इतना स्टडी करना है, तो फिर आगे चलकर आपको सफलता मिल जाएगी।